हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू अवर चैनल होम टिप्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपको मिर्च का अचार डालकर दिखाऊंगी, क्योंकि हरी मिर्च सिर्फ खाने का स्वाद नहीं बढ़ाती बल्कि सेहत और सुंदरता को भी निखारती है। हरी मिर्च में विटामिन सी काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। हरी मिर्च विटामिन डी और बीटा कैरोटीन की मदद से आपकी त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाए रखने में मदद करती है। दोस्तों, यह आयरन का एक नेचुरल सोर्स है। आयरन शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने का काम करता है, जो स्किन को सुंदर, शरीर को एक्टिव और ब्रेन को शार्प बनाए रखने में हेल्पफुल है। हरी मिर्च ब्लड शुगर लेवल को भी संतुलित रखने में मदद करती है। ये डायबिटिक लोगों के लिए बहुत ही अच्छी है। दोस्तों, बहुत से लोग हरी मिर्च कच्ची नहीं खा पाते, यानी कि डायरेक्ट नहीं खा पाते उसके तीखेपन की वजह से। आज मैं आपको हरी मिर्च का अचार डालकर दिखाऊंगी। यह अचार बहुत ही कम तेल में डाला जाएगा, बहुत ही कम मसालों के साथ, जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने सबसे पहले आधा किलो मिर्च ली है। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। आप थोड़ी मोटी मिर्च लें, क्योंकि फ्रेंड्स ये ज्यादा तीखी नहीं होती, इससे अचार बहुत ज्यादा टेस्टी डलता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप अपनी मिर्च को अच्छे से पोंछ लें। इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। अगर इसमें जरा सा भी पानी रह गया तो आपका अचार खराब हो जाएगा। देखिए मैं इसे कितने अच्छे से पोंछ रही हूँ। उसके बाद मैं ऐसे इसके ऊपर के डंठल तोड़ लूंगी सभी मिर्च के। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने मिर्च के डंठल तोड़ लिए हैं। फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल साफ कपड़े से इनको पोंछना है, ताकि आपका अचार खराब ना हो। जैसा कि आप सबको पता है, अचार खाना सबको बहुत पसंद है। ये खाने का जायका बढ़ा देता है, इसीलिए आज मैंने सोचा क्यों ना मिर्च का अचार डाला जाए। फ्रेंड्स, इसके बाद का स्टेप है कि आपको इसे अच्छे से काट लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने इसको अच्छे से काट लिया है। आपको इसी तरीके से सभी मिर्च को काट लेना है। फ्रेंड्स, आपको जिस भी साइज के मिर्च के पीसेस चाहिए आप उस हिसाब से काट सकते हैं। अगर आपको गोल पसंद है तो आप गोल काट सकते हैं। अगर आपको लंबे पसंद है तो आप लंबे काट सकते हैं, छोटे टुकड़े रख सकते हैं। जैसा भी आपको पसंद है आप अपनी इच्छा के अनुसार काट सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो अचार है ये बहुत ही कम तेल का यूज कर मैं बनाऊंगी, और ये बहुत ही जल्दी बन जाता है। जैसे कि आप अगर इसे आज डालेंगे तो कल आप इसे खा सकेंगे। दोस्तों, हम खुद भी यह अचार खाते हैं। ये खाने का स्वाद बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने अपनी मिर्च काट ली है। इसके बाद अब हम आगे देखेंगे कि मैं इसका मसाला कैसे बनाती हूँ। दोस्तों, यह अचार बहुत ही कम मसाले में बनकर तैयार हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं अचार का मसाला बनाने के लिए मैंने कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने राई ली है। राई मैंने इसीलिए ली है क्योंकि ये मिर्च के तीखेपन को कम करेगी और उसके अंदर थोड़ी सी खटास भी डाल देगी। उसके बाद दोस्तों मैंने सौंफ लिया है। उसके बाद मैंने हल्दी ली है, नमक लिया है, ये मेरा धनिया पाउडर है। मार्केट से मैं साबुत धनिया खरीद के लाती हूँ, क्योंकि जो मसाले हमें मार्केट में अवेलेबल होते हैं वो उतनी प्योर क्वालिटी के नहीं होते, इसीलिए साबुत धनिये को मैं पीस लेती हूँ अच्छे से सुखाकर। उसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पर हींग ली है। ये मेरा नींबू है। नींबू ऑप्शनल है क्योंकि जो हमारा राई है वो भी इसमें खटास डालेगा। दोस्तों, हम थोड़ा खट्टा अचार खाना पसंद करते हैं, इसीलिए मैंने नींबू लिया है। अगर आपको नींबू नहीं डालना है अचार में तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने राई और सौंफ को ड्राई रोस्ट कर लिया है, ताकि इसके अंदर अगर हल्का फुल्का भी मॉइस्चर हो तो वो बिल्कुल ड्राई हो जाए, बिल्कुल खत्म हो जाए। साथ ही साथ हमने ये दो
सर्विंग स्पून ऑयल लिया है, सरसों का तेल है, इसको मैंने थोड़ा सा गुनगुना कर लिया है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी थोड़ी सी हींग। ये देखिए मैंने इसके अंदर हींग डाल दी है। ये देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने राई और सौंफ को ड्राई रोस्ट किया था उसको मैंने मिक्सर में पीस लिया है। फ्रेंड्स, अब सबसे पहले हम एक मिक्सचर को अपने अचार यानी कि अपनी मिर्च के अंदर डाल देंगे, आप देख लीजिए। उसके बाद हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे, उसके बाद हम स्वाद अनुसार इसमें नमक ऐड करेंगे, फिर हम अपना पिसा हुआ धनिया पाउडर इसके अंदर डालेंगे। फ्रेंड्स, उसके बाद हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। मैंने बहुत ही कम तेल का इस्तेमाल किया है, अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कुछ इस तरीके से हम सारे मसालों को इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये अचार दिखने में कितना टेस्टी लग रहा है। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से इसमें सारे मसालों को मिक्स कर लिया है और आप देख भी सकते हैं ये कितना ज्यादा टेस्टी लग रहा है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम इसमें क्या करते हैं। अब सबसे पहले आपको एक एयर टाइट कंटेनर ले लेना है और उसको अच्छे से साफ कपड़े से पोंछ लेना है। उसमें बिल्कुल भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, ना ही पानी होना चाहिए। अगर आप इसे अच्छे से साफ नहीं करेंगे तो आपका अचार सड़ जाएगा और बहुत जल्दी ही खराब हो जाएगा। अब देखिए, जो मैंने अपना अचार बनाया है मैं उसको इसके अंदर स्टोर कर लूंगी। ये देखिए मैं इसके अंदर इसको डाल रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने अपना अचार भर लिया है। आप जैसा कि देख सकते हैं मेरा बिल्कुल एयर टाइट कंटेनर है और मैंने इसको अच्छे से साफ कर लिया था। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अब हम इसमें नींबू ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, क्योंकि हम थोड़ा ज्यादा खट्टा खाते हैं इसीलिए हम नींबू ऐड कर रहे हैं, वरना आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसका जो ढक्कन है वो हम अभी बंद नहीं करेंगे क्योंकि मैंने जो ऑयल लिया था वो गुनगुना था। जब तक वो पूरी तरह से ठंडा नहीं हो जाता तब तक मैं इसका ढक्कन नहीं लगाऊंगी। फ्रेंड्स, आप इसमें पुराने अचार का मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी आपके अचार का टेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और खटास भी आ जाएगी। फ्रेंड्स, ये थी हमारी रेसिपी मिर्च के अचार डालने की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और इसी तरह की वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल होम टिप्स से। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।